सो बच्चा लोग, अभी हम लोग जो नेक्स्ट आप लोग का डिफरेंशिएशन का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है नेक्स्ट पैरामेट्रिक, जिसको फंक्शन में हम लोग गिनते हैं, है ना, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अगर एक्स टी का फंक्शन है, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, वाई इज अ फंक्शन ऑफ जी ऑफ टी, जी ऑफ टी अ डिफरेंशियबल फंक्शन ऑफ t of t, so that y is a differentiable function of x। मतलब वही वाली बात है कि अगर x और y t के फंक्शन है, t के फंक्शन है, है ना, तो y जो है differentiable function होगा x का। बात भी सही है, वही हमें प्रूफ करना है। dy by dx क्या है, dy by dt क्या है, dy by dt upon dx by ये हमें प्रूफ करना है ना। पैरामेट्रिक फंक्शन से हमने इसको सम भी सॉल्व किया रहेगा इसका बहुत सारे। तो अगेन पहला वीडियो जो हमने शुरुआत किया था थ्योरम का, सिमिलर वे में सॉल्व करना है, कोई चेंजेस उसमें करना नहीं है, है ना। जो स्टार्टिंग था, क्या इसमें कितने फंक्शन है, फंक्शन इन द सेंस वेरिएबल देख लो, एक्स वाई टी, एक्स वाई टी, तो लेट डेल वाई बी स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ डी वाई, लेट डेल एक्स बी स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ डी एक्स, एंड लेट डेल टी बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ डी टी। तीन ही वेरिएबल थे वाई एक्स टी, है ना। ये डेल डेल अगेन क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट है आपके डी डी एक्स वाई और टी का, है ना। तो देयरफॉर आप वो फंक्शन को कैसे लिख सकते हो, डेल वाई बाय डेल एक्स। अगेन मैं बोल रहा हूं डिफरेंशिएशन का हर एक थ्योरम बहुत जिंदी है, क्यों, क्योंकि एक पैटर्न जो उन्होंने लिखा हुआ है ना, जो पैटर्न वाइज जो है सबसे, अगर एक ने एक 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 थ्योरम को अपने दिमाग में बैठा लिया तो बाकी सब इजी है। अगेन आप देखोगे नोटिस करोगे तो ये करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लिमिट, टेक लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ऑन बोथ द साइड। अच्छा एक चीज हम लोग साथ में इधर करेंगे जो बार बार वो करना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है तो विथ रिस्पेक्ट टू जहां टी होगा तो उसके जगह पे मैं डेल्टा टी टेंस टू टी टेंस टू जीरो लिखूंगा, जहां पे टी के विथ रिस्पेक्ट टू में होगा। ओके अब यहां पे अगर देखा जाए तो मुझे डेल्टा टी टेंस टू जीरो ही लेना चाहिए सब जगह, क्यों, विथ रिस्पेक्ट टू टी है ना, हम लोग क्या बता रहे हैं टी का फंक्शन है, तो यहां पे काम करो डेल्टा टी टेंस टू जीरो ही लो, टी टेंस टू जीरो है ना, डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिया जाएगा ये फंक्शन के लिए, और जहां पे डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो वहां पे एक्स ले लेंगे हम लोग। ओके तो यहां पे देखिए ये आपका फंक्शन जो है कैसा दिखेगा, यहां पे लिखता हूं मैं लिमिट डेल्टा, अब देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल टी अपॉन लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल एक्स बाय डेल टी, पल्ले पड़ा डेल टी टेंस टू जीरो। सिमिलरली क्या करोगे आप लोग, जो आप लोग अभी तक करते आए हो, अगर आप लोग ने पहला वाला थ्योरम देखा रहेगा ना तो आपको पता रहेगा इन आरएचएस, इन आरएचएस, आरएचएस में क्या करेंगे हम लोग, जो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो है दैट इज डेल वाई बाय डेल टी, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डी वाई बाय डी टी, क्या लिख सकते हैं डी वाई बाय डी टी, देन लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल एक्स बाय डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी, जो कि हर एक सम में हम लोग हर एक थ्योरम में वही कर रहे हैं। अगेन इसको आप रिसब्स्टिट्यूट करोगे, स्टेटमेंट विल बी आल्सो सेम, डेल वाई बाय डेल टी इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। अगेन वही पुरानी बात, आर एच एल राइट हैंड लिमिट इज एग्जिस्ट, सो लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल इज ऑल्सो या शुड बी एग्जिस्ट, ऑल्सो और शुड बी एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा यार उसको। अगेन मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, डिफरेंशियबिलिटी मेंटेन करने के लिए लिमिट अगर एल एच एस अगर है तो आर एच एस का भी इक्वल डिफरेंशियबिलिटी मेंटेन करके करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशियबल फंक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या इसके जगह पे, किसके जगह पे, इसके जगह पे डेल वाई बाय डेल टी इज इक्वल टू डी वाई बाय। अब आप देखोगे तो ये वन दे दो, इसको ये टू दे दो, फ्रॉम वन एंड टू से आपका प्रूव हो गया, फ्रॉम वन एंड टू क्लियर है, क्या हो जाएगा ये डी वाई बाय डी टी
तो मिस्टेक हो गया, हाँ डेल वाई बाय डेल एक्स है ना, डेल वाई बाय डेल एक्स था ना, तो डेल वाई बाय डेल टी कहाँ से आ जाएगा, डेल वाई बाय डेल एक्स, और डेल वाई बाय डेल एक्स है तो डेल वाई डेल एक्स ही आएगा ना इधर, है ना, थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, रात का समय है ना, थोड़ा बहुत हो जाता है, समझ के लो, तो डेल एक्स है ना, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू वाला चेक कर लेने का, टी है टी है टी है टी है, डेल एक्स है डेल एक्स है, डेल इधर अगेन डेल वाई बाय डेल एक्स होगा ना, डेल वाई बाय डेल एक्स होगा और ये डेल एक्स होगा, है ना, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, है ना, क्लियर है बात, समझ में ना क्यों होगा वो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो एक्स टेंस टू ही होना चाहिए और डेल एक्स डी एक्स नहीं होगा क्योंकि हमारे प्रूफ दैट में डेल वाई बाय डी यू डी वाई बाय डी एक्स है, ठीक है, तो डी वाई बाय डी टी यहाँ पे लिखते हो तो आदमी को पता चल ही जाएगा, है ना, क्योंकि डी वाई बाय डी एक्स ही होना चाहिए, ओके, अगर आप मिस्टेक भी करते हो तो ये ध्यान में रहना चाहिए आप लोग के, तो डी वाई बाय डी एक्स विल बी लाइक दैट, क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाय डी टी अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाय डी टी, आप लोगों ने ये थ्योरम का इस्तेमाल करके बहुत सारे अच्छे अच्छे सम सॉल्व किए हुए, पैरामेट्रिक फंक्शन, ये जरूरी नहीं कि टी हो, विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी होता है, आपने सम में देखे होगा थीटा भी मिलेगा, है ना, और सेम थ्योरम जो है एक यू और वी के टर्म में भी आपने सम किया रहेगा, तो सेम थ्योरम अगर इनकेस अगर टी की जगह पे यू और वी, है ना, ये जो वाई दिख रहा है ना उस और एक्स दिख रहा है उसके जगह पे यू और वी दे देगा, तो भी थ्योरम क्या करना है, सेम एज यूजुअल सॉल्व करना है, आपने स्मॉल इंक्रीमेंट लेना है, लिमिट्स लेना है, लिमिट्स लेते हो ध्यान रखिए क्या कि अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो लिमिट भी उसी को अप्रोच करेगा, टी विथ रिस्पेक्ट टू है तो लिमिट टी को ही अप्रोच करेगा, इज दैट क्लियर, तो ये बातों का ध्यान रखना है, सिंपल यार, तीन तीन मार्क्स है, तीन में से हर साल जो है एक पैटर्न देखा गया है कि पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रैक्टिस कर लेना है, छोड़ना नहीं है, सब चिंदी चिंदी बातों को छोड़ना नहीं, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, डिफरेंशिएशन के लिए तीन तीन थ्योरम थे इंपॉर्टेंट थे जो कि आप लोगों को बता दिए गए, ओके।